चॉपस्टिक। वैसे तो ये शब्द सुन के हमारे मन में चाइनीज खाना हमारे दिमाग में आ जाता है, क्योंकि चॉपस्टिक का उपयोग चाइनीज लोग और अब हम इंडियन लोग भी चाइनीज डिशेस खाने में करते हैं। और नेटफ्लिक्स में चॉपस्टिक इसी नाम से एक वेब फिल्म कल रिलीज हुई है, जिसमें कि अभय देओल है, मिथिला पालकर है, विजय राज है, एक बकरा है जिसका नाम है बाहुबली और एक कार i10। और इन पांच किरदारों के बीच ये कहानी घूमती रहती है, इसके इर्द गिर्द ही सारी कहानी गढ़ी गई है। अभय देओल एक चोर की भूमिका में है, जो कि एक आर्टिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि कोई भी तिजोरी ऐसी नहीं है जो वो खोल ना पाए। और मिथिला पालकर जो कि निर्मा सहस्रबुद्धे, निर्मा नाम सुन के ही अजीब सा लगता है लेकिन इनका नाम निर्मा रहता है, और वो एक सीधी सादी वर्किंग यूथ है, युवती है, जो कि एक मंडला ट्रांसलेटर है, जो कि पर्यटन टूरिस्ट में जो रहता है, चाइनीज लोग को पर्यटन में उनका चाइनीज भाषा ट्रांसलेट करती है, वो वाला उनका काम है। आत्मविश्वास की कमी है इनमें, थोड़ी दब्बू है, बहुत ही ज्यादा सीधी सादी है। और विजय राज जो कि एक भाई की भूमिका में है, और फयाज कुरैशी उनका नाम है, और उनका एक बहुत पसंदीदा बकरा जिसको अपने बेटे के जैसे मानते हैं, जिसका नाम बाहुबली है। और मिथिला की कार चोरी हो जाती है, और ये पूरी कहानी उस चोरी हुई कार, बाहुबली, बकरा और ये तीन कैरेक्टरों के बीच में है जो गढ़ी गई है। वेब चौपाल में आप सभी का स्वागत है, और आपने यदि वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी दिनों बाद एक अच्छी पारिवारिक मनोरंजक कॉमेडी फिल्म कहूंगा मैं से, और बहुत स्वस्थ मनोरंजन है, एक संदेश भी है, मासूमियत भी है कहानी में, और हर दर्शक वर्ग को, हर उम्र के दर्शक वर्ग को पसंद आने वाली ये खूबसूरत सी कहानी गढ़ी गई है, जिसका नाम है चॉपस्टिक। नेटफ्लिक्स में है, 1 घंटे 40 मिनट की ये फिल्म है, जिसमें शुरुआत होती है एक कार की चोरी से, और उसके बाद पूरी कहानी कैसे वो कार को वापस खोजने में लगी रहती है, और बहुत दिलचस्प घटनाक्रम बीच में आते रहते हैं, और आपको एक पल भी ये फिल्म बोर नहीं करती, और उसमें शानदार अभिनय है सारे कलाकारों का, बहुत अच्छी कहानी है और रिफ्रेशिंग है, बहुत ही ताजा तरीन पेशकश है, बहुत ही एक सुखद एहसास होगा आपको, काफी दिनों बाद इतनी फैमिली के साथ देखने वाली साफ सुथरी कॉमेडी जिसको हम कहें, और एक अच्छा संदेश भी है इसमें, तो ये आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। बात करें अभिनय की, तो बहुत दिनों बाद अभय देओल किसी अच्छे काम को करते नजर आए हैं, बीच में उनकी एक दो फिल्म फ्लॉप हुई है, लेकिन ये उनकी बहुत अच्छी पेशकश है और उनका अभिनय बहुत शानदार रहा है, बहुत ही सहज उनका स्क्रीन प्रेजेंस रहता है और बहुत ही स्वाभाविक अभिनय करते हैं, और बहुत स्पॉन्टेनियस है उनके अभिनय, जो बोले बहुत स्पॉन्टेनियस अभिनय रहता है, और बहुत ही संतुलित उनकी भाव भंगिमाएं रहती है, डायलॉग डिलीवरी रहती है, और इस फिल्म में उनका काम शानदार है। बात करें हम मिथिला पालकर की, तो एक मासूम, एक बहुत ही इंट्रोवर्ट सी, आत्मविश्वास की जिसमें कमी है, उसकी भूमिका में बिल्कुल जची है और बहुत शानदार काम किया है उनका, और यूं कहें कि ये वेब सीरीज उनकी है तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, मैन कैरेक्टर उनका है और बहुत अच्छे से उनने उसको पोर्ट्रे किया है। विजय राज एक बहुत ही उम्दा कलाकार है, हम सब उनकी खूबियों से वाकिफ है कि कितने मजे हुए कलाकार हैं, और बहुत ही शानदार उनका अभिनय है, उनका जो कैरेक्टर है बहुत कुछ नाना पाटेकर जो वेलकम का है, जो सजाएं भी देता है तो अलग अलग टाइप की देता है, कि कभी फुग्गा फुलाना या कभी दौड़ाना, उसी तरह की सजाएं ये भी देता है, और उसी तरह का मूडी कैरेक्टर है, और जब भी वो स्क्रीन में आते हैं उनको देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। निर्देशन की बात करें तो अश्विन यारडी, इसके पहले सी कंपनी जैसी फिल्म वो दे चुके हैं, वो भी एक कॉमेडी फिल्म थी लेकिन वो उतनी चली नहीं थी, लेकिन ये जो है फिल्म चॉपस्टिक ये उनका सबसे अच्छा काम है और ये दर्शकों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। इस वेब सीरीज को दूंगा मैं 5 में से 3.5 स्टार। नेटफ्लिक्स में है, इसको आप देखना बिल्कुल ना मिस करें, काफी दिनों बाद इतनी अच्छी कॉमेडी आई है तो उसको सपरिवार आप जरूर देख सकते हैं। और ये रिव्यू आपको कैसा लगा इसको भी आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर किसी रिव्यू में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।